एक निरंजन हमने एक फिल्म की है और पुरी सर ने वो डायरेक्ट की है, तो उस वक्त वहाँ पे उन्होंने बहुत बैडी एक प्ले किया है, सो ही इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन दैट फिल्म. वो एक एक्सपीरियंस रहा है. बाकी आई होप गॉड विलिंग वेरी सून कुछ हम लोग साथ में करें, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रेंज सोनू के वी यू नो वी नो वर्क टुगेदर आफ्टर दैट. तो ऐसा चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो. Actually, no problems. I always heard stories, you know, the job of a producer is very, very tough. Yeah, it's a tough journey. But like I said, you know, when you have, you know, your actors who are always there for you, who come before you actually call them. So I think that makes the journey very easy. I remember when we finished this movie, we almost finished it and we wanted 3 numbers. I remember I have a very close friend, lyricist Shabir Ahmed. I'm sure, you know, he should be here. You know, I called him, I said, you know, we need to make some good music, and then actually, you know, how this rail gaddi and tutak tutak tuti and you know all this music happened. So like I said, you know, you need just friends and your well wishes, and whether you are producer or any, do anything in life, I think that makes life very easy. Yeah. Sonu, zyada aasan kya hai, acting karna ya film presents karna ya in dono ko balance karna ya aur exercise aur bhi reinvent karne wale apne aap ko? Mujhe lagta hai producer ka kaam bahut mushkil kaam hai, kyunki aapko you know 300-500 लोगों को जवाब देना पड़ता है कि क्या चल रहा है, यू नो, फिल्म बनाते हुए भी, फिल्म बनाने के बाद भी, और जब तक आप रिलीज नहीं होती. सो इट्स अ प्री टफ जॉब, बट लाइक आई सेड, यू नो, जब मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की और यू नो एक्टर बनने की इच्छा की, तो मैंने तब अपने डैड को बोला था, यू नो, वन डे डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बिकम अ प्रोड्यूसर एंड मेक अ प्रोडक्शन हाउस ऑन योर नेम. आज उन्हीं के नाम पर, यू नो, शक्ति सागर प्रोडक्शन मैंने खोला डैड के नाम से. आई थिंक दिस इज इन ऑल दीज ईयर्स दैट आई हैव, यू नो, बीन हियर इन दिस city, but I think this is the most special phase of my life that I have production house on my dad's side. So I think एक चीज और सुनो कि regional cinema की जो reach है वो अब global हो चली है. एक तरह से pan India हम देख रहे हैं, वहाँ बाहर की फिल्में यहाँ बन रही हैं, यहाँ की फिल्में बन. आप किस तरह की फिल्में, अगर regional फिल्में बनाने का शौक हो या बनाए, तो किस तरह की फिल्में या किस तरह के ideas पे काम करना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि सिनेमा की भाषा नहीं होती, यू नो, मैं चाहे तमिल फिल्म बनाऊँ, तेलुगू बनाऊँ, पंजाबी बनाऊँ या हिंदी बनाऊँ, स्क्रिप्ट अच्छे लगने चाहिए और आपको एक्साइट करने चाहिए कि आप, यू नो, सुबह उठें और काम शुरू करें एज ए प्रोड्यूसर या एज एन एक्टर. बट आई डेफिनेटली लाइक टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज ए प्रोड्यूसर इन ऑल द डिफरेंट लैंग्वेजेस. आई वर्क्ड इन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, ऑल द फिल्म्स. सो आई थिंक आई वुड लव टू प्रोड्यूस फिल्म्स इन ऑल द लैंग्वेजेस. जस्ट थ्री विशेस, दैट्स इट. सुनो कंगना, दोस्त तो प्रोड्यूसर बन गए, आपका कोई इरादा? अभी तो नहीं, लेकिन यू नेवर नो. बट आई थिंक मुझे डायरेक्शन का थोड़ा सा भूत है, प्रोडक्शन का इतना नहीं, तो मे बी दैट सोनू कैन हेल्प मी. प्रोड्यूसर चील डायरेक्टेड. सोनू, ऑल द 3 songs लुक्स फैंटास्टिक, बट कहीं ना कहीं सेकंड सॉन्ग में लगता है एक होम प्रोडक्शन का फायदा आपने उठाया है. यू फ्लॉन्ट योर बॉडी एंड व्हाटएवर द कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल्सो, कहीं ना कहीं वो कहाँ जाएगा? उसमें मैंने बजट बढ़ाया, मैंने कपड़ों पे खर्चे नहीं किए, मैंने बोला कपड़े उतारो यार, जरूरत नहीं है. तो उसमें प्रोड्यूसर का दिमाग काम किया. बट यू नो, मेरी पूरी फिल्म जब चल रही थी ना, मेरे डायरेक्टर ने बड़ा बोला कि यार इसमें बॉडी दिखाओ, आप कपड़े उतारो, बॉडी दिखाओ. मैंने बोला नहीं सर, इसमें रहने दो. तो पूरी फिल्म में मैं बचता रहा बॉडी दिखाने से, और लेकिन जब गाना आया उसमें जरूरत पड़ी तो कपड़े उतर ही गए. तो आई थिंक इट्स ओके, नॉट बैड. My question, Deepshika, you produce lots of content-driven films recent past when you turn produce for Puja films. What made you to think about and to be associated with the film, this Tutak Tutak Tut? Both Sarabji and Madari were very high on content and they had a very strong social message. ये एक simple entertaining film है, लेकिन इसमें भी एक बहुत अच्छा message है. And Prabhu sir is dancing, and Sonu is one of the best producers, I'll say. There's not a better human being than Sonu. We've interacted with so many people. Thank you so much. But he's really, really very sweet. And thank you, Kangana, for gracing this. So it's maybe a very special message hai, but packaged in an entertaining form, which you will see. Kangana. All right, last 2 questions, please. Any of Prabhu sir's steps have you matched ever in a party or somewhere? I think the best thing about Prabhu sir's steps is that they look so musty, you know, like as if he's having so much fun, and there's a lot of humor and quirk in it. Even the way he's sliding, and even the way he, you know, like he does one movement and everybody just falls on the floor, right? So there's a lot of there's no rule to his dancing, you know. So there's a lot of spontaneous
mastikhori in it, so which I really love, and I don't know if anybody can ever copy it, because they are just, you know, impulses which are just been translated into movements, and it's really amazing. I completely love what he does, but I can't, I don't possibly can't follow it. Last so question, please. Sorry. Congratulations for the film. Thank you. Sumit ji yahan aa gaye hain, sab saavdhan ho jao. Saavdhan. Sumit ji ne bahut silence ke baad ek lambe pause ke baad ek sawal kiya. ये ठहराव कंगना ने ही सिखाया है, मतलब खूब कभी नहीं लगे सर। सुमित जी वो तो कैमरामैन हो रहे, आप क्या बोलते हो सर? कैमरामैन की नजर ही असली नजर होती है। सही है सर, यू कमेंट्स तो कैमरामैन को पर्सनली जाकर कमेंट देंगे। थैंक्स टू माय कैमरामैन मनोज। सुनो, आपने कंगना के बारे में बताया, कैसी है एक्चुअली कंगना? आप काफी समय से जानते हैं। नहीं बताना सुनो, इसको नहीं बताना, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ मिस्ट्री फॉर यू सुमित, आई वॉन्ट यू टू बी इंट्रीग्ड। इनके आधार कार्ड का नंबर है A46, वैसा कुछ डोमिनेटिंग है क्या ये, या मतलब इंटिमिडेटिंग? मेरा हंटर लेके आओ, लेके आओ प्लीज, समबडी गेट इट फ्रॉम माय कार। सुमित, we need to talk. सुनो, अच्छा एक मिनट सुनो, आपने देखा है कि जब कंगना की सबसे खास बात क्या है, जब वो शर्माती है और we need to close this. जब स्माइल करती हैं और शर्माती हैं और फिर तिरछी निगाहों से देखती हैं, कभी आपने शुरू से था या अभी ये हुआ है? मैं ये सोच रहा हूँ सुमित, अगर आप ना हो तो ये कैसे हो ये सब? बहुत ज़रूरी है आपका। देखिए कंगना की आप तिरछी नज़रों की बात करें या शर्माने की बात करें या डोमिनेट कुछ भी बात करें, कंगना की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो स्पेशल है। बोलते ना कि भगवान एक फर्मा बनाता है, उसके बाद वहाँ से दूसरी कंगना नहीं बन सकती। आई थिंक दैट्स यू नो व्हाट वी कॉल कंगना, वेरी वेरी स्पेशल हर चीज़ में, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, एज अ पर्सन आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी स्पेशल। क्या बात है, इसी के साथ में थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चंस गाइस, आई एम सो सॉरी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। ओके लास्ट क्वेश्चन, सुनो तूतक तूतिया सॉन्ग इज वन ऑफ द पॉपुलर पंजाबी नंबर, सो रिक्रिएटिंग दिस सॉन्ग, सो किन बातों का खास ध्यान रखना पड़ा तुम्हें? यू नो जब ये सोचा कि तूतक तूतक तूतिया बनाना है तो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उस पर काम किया, कई लोगों ने, यू नो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबके वर्जन्स मेरे पास आए, लेकिन फिर भी मुझे कन्विक्शन नहीं मिला कि जैसा मैं चाहता था वैसे कैसे बने। तो मेरे बड़े अच्छे अजीज़ दोस्त हैं शबीर अहमद, अगर आगे हैं तो प्लीज़ आ जाएंगे, पीछे छिपे खड़े हैं। तो यू नो तो ये मैंने इनको रात को पकड़ा कि मैंने बोला कि ऐसा कुछ गाना बना जाए शबीर भाई, तो उन्होंने अपने एक और दोस्त जो राज आशु हैं उनको पकड़ा, वो भी आगे आ जाएं कहीं पे हैं। तो यू नो हम लोगों ने रात रात भर बैठ के 3-4 रातें हम लोगों ने सारी रात बैठ के यू नो इस म्यूज़िक पे काम किया, और फिर वो जो चीज़ बनी वो आपके सामने है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी स्पेशल नंबर्स दैट दे हैव क्रिएटेड, और जब आप सुनेंगे कल से पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया सुनेगी तो आपको पता चलेगा कि अगर तूतक तूतक जैसा बड़ा सॉन्ग हो तो उसके लिए कितना कमाल का काम करना पड़ा। आई थिंक दे हैव रियली वर्क्ड हार्ड टू मेक दिस वेरी वेरी स्पेशल। लोगों का नाम मत बताइए, लेकिन कितने लोगों से बनवाया था? करीबन 7-8 म्यूजिक डायरेक्टर्स ने काम किया था इस पे, बट आई थिंक द व्हाट वी हैव नाउ इज अमेजिंग, and I think beech mein that is that flute, yeah flute flute music is awesome, I love that effect. Sono ek second cheese, okay ab yahan pe aisi goli mari ho sakti hai ki hum log bikh jayenge. nahi wo aisa waisa aur nahi pasand karta. Okay, if you ask a good question then you're gonna answer. Yeah I always take care of. Basically we're all in a state of shock for what has happened, and like you said, you know, we can do is extend our you know to the families of the soldiers, but you know I mean I don't think anything can compensate for that loss. So no aap apne shabdon mein hindi mein ji bilkul bahut dukh hota hai, you know jab hame pata chalta hai ki jo you know sainik apne parivar ko chhod kar
यू नो हमारे देश की रक्षा के लिए होते हैं और फिर वही अपनी जान खो देते हैं, उनके परिवार वालों पर क्या बीती होगी हम ये महसूस नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं कि किस दौर से वो लोग गुजर रहे हैं। बट दुआ करते हैं हम लोग यू नो भगवान से कि उन्हें ताकत दे उनके परिवार को इस भी लॉस की कभी भरपाई नहीं हो सकती। बट आई जस्ट फील वेरी वेरी सैड यू नो हम लोग फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं भाग दौड़ में, लेकिन उन परिवारों के लिए वो ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो चुकी। तो मेरे माई हार्ट गोज़ टू ऑल द फैमिलीज एंड जस्ट प्रे टू गॉड दैट गिव देम स्ट्रेंथ टू बेयर दिस लॉस।